ग्वालियर झांसी NH-75 हाईवे से सोमवार मंगलवार की रात्रि करीब 2:30 बजे के दरमियान कोतवाली पुलिस के हाथ लगी बड़ी सफलता। ट्रक क्रमांक UP-78BN-6366 में 27 गौवंश को लाद कर बूचड़ खाने ले जाया जा रहा था। मुख्य बात यह है कि शासन प्रशासन की लचर कार्यवाही के चलते उत्तर प्रदेश की सीमा से पशुओं का अवैध व्यापार करने वाले सक्रिय हैं। इनकी सक्रियता का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि पूर्व में चिरूला थाना पुलिस ने 152 भैंसों से भरा ट्रक पकड़ा था, जिसकी कार्यवाही करते हुए चूल्हा पुलिस ने मामले को आगे की कार्यवाही के लिए जिला न्यायालय को भेज दिया था। पुलिस ने जो गोबंसों से भरा ट्रक पकड़ा है, ये कहां से आ रहा था, कहां जा रहा था, किन का? ये रात्रि में गश्त के दौरान मुझे एक सूचना मिली थी कि असवार तरफ से ट्रक है जिसमें गाय बछड़े हो सकते हैं और जिसको ट्रक की जो पैकिंग है वो इस तरीके से की गई है कि या तो उसमें भूसा है या कबाड़ा भरा हुआ है और चारों तरफ से उसको तिरपाल से पैक करके ले जाया जा रहा है। जब उसको तिरपाल से पैक करके ले जाया जा रहा था तो ट्रक नंबर भी हमको मुखबिर ने बताया था, तो उसके अनुसार हम लोगों ने उसकी घेराबंदी की। ट्रक चालक ने उसको काफ़ी कोशिश की बनाने की, लेकिन उसको आखिरकार अस्पताल के पास पकड़ लिया। जब इसको खोल करके देखा था तो 2 लोग उसके अंदर ट्रक के अंदर थे और 27 बैग उसके अंदर रुके हुए थे और उनको बड़े दुर्दांत तरीके से जो है उनको रखा हुआ था, एक के ऊपर एक बैग चढ़ा हुआ था। जब उससे चालक से हमने पूछताछ की सोनू खान से कि वाहन कहाँ से आ रहा, तो उसके द्वारा बताया गया कि असवार के बाद जंगल से हमने जानवरों को जो है लूट किया है और कानपुर के जो है बूचड़ खाने में कटवाने के लिए ले जा रहे हैं। उसके लिए हमने उससे SDM द्वारा जो जारी किए जाने वाला प्रमाण पत्र जो पशु परिवहन के लिए जारी होता है वो उसके पास नहीं मिला और हमको जब पूर्ण संतुष्टि हो गई कि ये अवैध रूप से बंद के लिए इनको ले जाया जा रहा है, तो मध्य प्रदेश गौवंश बंद अधिनियम 2004 के तहत धारा 6 और 9 के तहत हमने इनको जब्त किया और गिरफ्तार किया। और अभी इससे और कहाँ कहाँ इनके व्यापार चल रहे हैं इससे संबंधित हम इनको अभी पुलिस रिमांड पर ले रहे हैं, आज न्यायालय और जो भी अग्रिम कार्रवाई होगी उसके लिए जारी है। पकड़े गए गौवंशों को कहाँ रखा गया है? ये हनुमानगढ़ी में चेतन आश्रम है, उनके आश्रम में जो गौशाला है उसमें हमने सुपुर्द किया। सभी जानवरों का जो है मेडिकल परीक्षण कराया गया। आपको पूछे ये आरोपी कितने हैं? इसमें 3 आरोपी हैं, सोनू कुरैशी, आरिफ खान, राशिद खान। ये सभी 22, 23 और 28 साल की उम्र के हैं, जिसमें एक ड्राइवर है और 2 उसके सहायक हैं जो अंदर बैलों को के पास रहते हैं। और ये सभी लोग ये अजीत मल और औरैया के रहने वाले हैं। सर कुछ और आरोपों को खुलासे हुए क्या? ये संभावना जताई जा रही है कि निश्चित रूप से इतने बड़े ट्रैक के अंदर असवार से लेकर के और कानपुर तक निश्चित रूप से कोई ना कोई इनके आगे पीछे या इनका कोई ना कोई संरक्षक हमारे क्षेत्र में जरूर होगा, उसके लिए हम इसको पुलिस रिमांड ले रहे हैं। जैसे ऐसे हटके थोड़ा दूसरी जानकारी और हम आपसे लेना चाहें क्योंकि समय नहीं मिल पा रहा था, ये निरंतर रेत माफिया के खिलाफ जो आपकी पुलिस द्वारा कार्रवाई की जा रही है, ट्रक पकड़े जाते हैं और छोड़ दिए जाते हैं, पकड़े जाते हैं छोड़ दिए जाते हैं, मतलब निरंतर क्रम कब तक चलेगा कोई और कानूनी कार्रवाई? नहीं, अब चूँकि ये हमारा जो है कानूनी कार्रवाई हमारे हाथ में इतना है कि हम उसको जब्त करके माइनिंग डिपार्टमेंट को दे देते हैं। माइनिंग डिपार्टमेंट की जो बायलॉज है जिसके अनुसार उन पर कार्रवाई होती है जी, और उसके अनुसार जो भी अंतिम निर्णय है वो माइनिंग डिपार्टमेंट। अभी जो थाना परिसर में ट्रैक्टर रखे हुए हैं उनके खिलाफ आप क्या कार्रवाई करनी है? माइनिंग डिपार्टमेंट को पत्र भेजें। आपने कोई अलग से धारा लगाई? ये जो मध्य प्रदेश गौवंश वध अधिनियम 2004 ये अपने आप में इतना सशक्त कानून है कि जो क्रूरता की जो आप बात कर रहे हैं वो क्रूरता की धारा 7 में जमानती अपराध है, पर ये गैर जमानती अपराध है, ये स्पेसिफिक इसी के लिए इसको बनाया गया है। कार्यवाही के परिणाम अतीत के गर्भ में आज भी दफन है। पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब में ट्रक चालकों के नाम रशीद खान,
पुत्र शहजाद खान, उम्र 28 वर्ष, निवासी औरैया तिलक नगर उत्तर प्रदेश बताया गया है। इसी के साथ चालक का नाम सोनू कुरैशी, पुत्र सादिक कुरैशी, उम्र 22 साल, निवासी इस्लाम नगर औरैया बताया जा रहा है। तथा क्लीनर का नाम आसिफ खान, पुत्र सिराज खान, उम्र 23 साल बताया जा रहा है। दतिया से प्रशांत श्रीवास्तव की रिपोर्ट, बुंदेलखंड टुडे, झांसी।